myself Aleem and welcome to the first numerical session on chapter 1 that is number system of NCERT class 9th mathematics. अब बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सोल्यूशन की और इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर तरीके से समझें, इसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़ा और डीपर लेवल पे बिल्ड कर सकें, एट द सेम टाइम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आ सकते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू गिव can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. ab jisne bhi first lecture nahi dekha hai to main unse ek chhoti si request karunga ki please agar kisi ko proper explanation pata hai ki is case mein kyun aisa kehte hain ki q must not be equal to 0 in p by q ratio, if someone knows then please let me know in the chat section. okay, so let's start with this question. so first of all the answer is yes, जीरो इज अ रैशनल नंबर. रीजन ऐसा है कि जीरो को हम प्रॉपरली पी बाय क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ गिवन कंडीशन. अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर. ओके, सो आंसर इज यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. एंड नेक्स्टली वी विल से कि एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स के थ्रू हम बताएं तो यू कैन टेक most ofly it can be represented 0 divided by a natural number mostly comes out to be a it comes out to be 0. so yeah, it can be represented as in the form of fractions. so example ke tarah 0 divided by 2, 0 divided by 4 or 0 divided by 1000 all are equals to 0, so it can be represented p by q format. so yeah, that's the answer for the first question. second question humne class mein solve kiya tha jahan pe maine ek proper detail explanation diya tha ki kaise hum do numbers ke beech mein rational numbers dhoondte hain aur specifically yahi example diya tha 3 aur 4 ke beech mein. so you can have a look at it, I have solved it and the answer is on the screen. next hum fraction ko dekhenge, fraction ko kaise solve karte hain. so 3 by 5 aur 4 by 5 ke beech mein hame rational numbers dhoondne, so it's quite simple, that's not quite hard. फ्रैक्शंस हो या होल नंबर्स, ऐसे प्रोसीजर सेम ही रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एंड नंबर्स हैं उनको डिनोट कर देना. सॉरी, इट्स 3 बाय 5 एंड देयर इज 4 बाय 5. तो मैं अपने 3 बाय 5 को इस एंड पे रखता हूं बिकॉज इट्स स्मॉलर. सॉरी, 3 बाय 5 इज बिगर, स्मॉलर, इट्स स्मॉलर एंड 4 बाय 5 इज बिगर, सो आई विल कीप इट ऑन द राइट हैंड. ओके, सो 3 बाय 5 और 4 बाय 5 अपने अपने पोजीशन में आ गए. अब रैशनल नंबर्स में पास ढूंढने इन सबके बीच में सबसे पहला प्रोसीजर क्या कहा था, इन दोनों के बीच वाला नंबर भी रैशनल नंबर होगा बिकॉज एंड टर्म्स आर रैशनल, तो बीच वाला नंबर भी रैशनल नंबर होगा. तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है. तो इफ वी एड एंड डिवाइडेड बाय 2, कहीं नंबर लाइन तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इफ वी एड एंड डिवाइडेड बाय 2 व्हाट विल गेट इज 7/10. आई होप सो 7/10 आ रहा है. आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग यू कि आप पेन पेपर लेके प्रॉपरली सॉल्व करें, मुझे थोड़ा बहुत याद है ये सब फ्रैक्शंस, तो आई एम डूइंग इट ऑन माय माइंड. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो टेक अ प्रॉपर पेन एंड पेपर एंड प्रॉपरली राइट इट किस तरीके से 7/10 आता है. अगर किसी को फ्रैक्शनल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन या फिर किसी भी तरीके का इशू हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं शायद उनके लिए एक छोटा सा सीरीज प्लान करूँ. ठीक है, तो फॉर द बेसिक्स पर्पज. अब दूसरा सेकंड स्टेप क्या है कि आप फिर से दो सेगमेंट्स बन गए, कोई भी एक सेगमेंट उठा लो, 3/5 और 7/10 ये एक सेगमेंट है और 7/10 और 4/5 ये एक सेगमेंट है. मैं स्टार्टिंग में 3/5 और 7/10 ये वाला सेगमेंट, इन दोनों के बीच वाला सेगमेंट बताता हूँ, उनका फिर से मिड पॉइंट ढूंढना है. इनका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे. ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2, प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है. व्हाट वुड बी द आंसर, इट वुड बी 13/20 आई थिंक. Yeah, it would be 13/20. Okay, अब फिर से अब तीन सेगमेंट्स बन गए, 3/5 और 13/20 के बीच में, 13/20 और 7/10 के बीच में, और 7/10 और 4/5. अब मैं वापस से 3/5 और 13/20 इस सेगमेंट के बीच वाला पॉइंट ढूंढूंगा समवेयर अराउंड हियर. ऑलरेडी हमारा एक दो हो गए, अपने को तीसरा ढूंढना है. सो 3/5 प्लस 13/20 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सो यू प्रॉपरली डू इट. I'll do it on my end. I think I have this help of again. I think I can use this thing. There's a small calculator on board with this. Plus 13 by
20 equals to 1.25 divided by 2. So I can use 1.25 divided by 2. That comes out to be 0.625. I think 0.625. Okay, we need it in the fractional format. So hame manually karna padega. So I'll do it on my pen and paper. Aap bhi try kijiye. 3/5 plus 13/20. So it's 5/4 divided by 2 comes out to be 5/8. So basically the answer is 5/8. I'll delete this one. Okay, so answer is 5/8. तो हम 5/8 को यहाँ पे लगा देते हैं. नाउ अगेन अपने पास इतने सारे सेगमेंट्स बन गए. अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना ये छोटे नंबर्स के बीच में ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो विल ड्राई आउट द बिगर स्पैन्स. अब जो बड़े वाले स्पैन्स बच गए जिसकी जैसे कि इन दोनों के बीच में 13/20 और 7/10 के बीच में इनके बीच में एक नंबर ढूंढ लेते हैं. अगेन सेम प्रोसीजर दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2. तो 13/20 प्लस आप मैन्युअली जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. मैं भी यहाँ अपने एंड पे कर रहा हूँ. ओके सो इट्स 27/40 बिग नंबर यार. सो या सो इट्स 27/40. हाँ अब कितने हो गए. 7/10 एक ढूंढा है 13/20 ढूंढा उसके बाद 5/8 ढूंढा 27/40 ढूंढा. अब हमें ढूंढना है 7/10 और 4/5 के बीच में क्योंकि यही सबसे बड़ा स्पैन बचा है. बिकॉज इन दोनों के बीच में ढूंढने का मिल जाएगा कोई इशू नहीं लेकिन इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. अब अपने पास इतना बड़ा स्पैन बचा है तो उसके बीच में ढूंढते हैं ना. तो 7/10 और 4/5 इट्स सिंपल. इट्स बेसिकली आई थिंक 15/20. इट वुड बी 15/20. आप चेक करते जाना बिकॉज आई एम डूइंग इट जस्ट ऑन माई माइंड. सो इट्स स्लाइटली देयर माइट बी इश्यूज. ओके तो इट्स 15/20. तो हमारे नंबर्स मिल गए हमें. इनको थोड़ा एनसर्कल कर लेते हैं. व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली एनसर्कल देम. ये वाला एक नंबर है, ये वाला एक नंबर है, ये वाला एक नंबर है, ये वाला एक नंबर है और ये वाला एक नंबर है. ओके सो वी हैव फाउंड 5 नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स. इसी तरीके से प्रोसीजर सेम होता है. होल नंबर हो, इंटीजर हो, जिस तरीके भी नंबर हो, हमें बस प्रोसीजर एक ही करनी है. एंड नंबर्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2. स्पैन्स बनते हैं. उस स्पैन्स के बीच वाले मिडिल पॉइंट्स ढूंढते जाओ एंड यू विल गेट ऑल द नंबर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. ठीक है ये हो गया. अब ट्रू और फॉल्स है लास्ट क्वेश्चन. फोर क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी तो हमने कहा था कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी एंड द होल नंबर्स की बात की थी 0 टू प्लस इन्फिनिटी. अब बात ऐसी थी कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इसको देखते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें समझ लीजिए यहाँ से ऐसा कुछ चल रहा है. ठीक है और यहाँ पे कहीं पे ये 0 है और यहाँ पे 1 है. ठीक है तो 1 से लेके आगे जो भी जा रहे हैं दोज आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है एंड 0 से लेके यहाँ पे जो भी जा रहे हैं दोज आर होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं. लाइक इफ देर इज ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग इज होल नंबर और उसके बीच में का ग्राउंड फ्लोर छोड़ के बाकी सब फ्लोर दीज आर नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर ही आते हैं. तो यस दिस थिंग इज ट्रू. सो आई कैन राइट हियर काम करते हैं इसका प्रॉपर आंसर ही लिख देते हैं. यस नहीं पहले तो ट्रू रीजन 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 विल राइट द रीजन एज बिकॉज ऑन number line it can be observed that natural numbers are a part of whole number hence they are all whole numbers. They can also be called as whole numbers. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एक नंबर हमेशा एक कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक नंबर तीन चार कैटेगरी में फॉल करें. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये होल नंबर की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं. ओके नेक्स्ट इज
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अगेन सेम कंसेप्ट है, इंटीजर्स देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो भी जो अच्छे नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं. अब उसके अंदर हमने देखा था कि जीरो से इंफिनिटी तक जो प्लस इंफिनिटी तक जो भी पॉजिटिव होल नंबर पॉजिटिव अच्छे नंबर है उनको हम होल नंबर कहते हैं. तो सेम एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन वही रहेगा, द आंसर इज ट्रू, एक्सप्लेनेशन वही रहेगा. विल कॉपी द सेम एक्सप्लेनेशन, जस्ट विल हैव अ स्मॉल चेंज लाइक यस सिंस होल नंबर्स आर अ सब पार्ट ऑफ इंटीजर्स सो दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज Because, वैसे तो हमारे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर्स है जो अच्छे नंबर है, तो उसी के अंदर जीरो से प्लस इंफिनिटी ये हो गया हमारा होल नंबर. अगेन द सेम एग्जांपल आप कंसीडर करते हो, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 50 फ्लोर्स हैं, ऊपर वाले जो 50 फ्लोर्स हैं दोज आर कॉल्ड एज होल नंबर्स, बाकी के जो बचे हुए नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम उसे कंसिडर नहीं करते. ठीक है, नाउ एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट पॉसिबल? दैट्स नॉट, That's false. बता सकते हो क्यों? चलो एक assignment देता हूँ. Sorry. False. Okay. इसको एक तरीके से मैं तुम्हें एक task दे देता हूँ. You put it in the comment section. Why every rational number is not a whole number? I'll inform you the answer in the next video. So that's all for today. हमारा exercise number 1.1 complete हो चुका है. हमने properly देख लिया किस तरीके के questions आ रहे हैं. कि हमें रैशनल नंबर्स के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सो हैव अ फोकस ऑन दैट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव फन.